हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग TBS स्पोर्ट के 2022 मॉडल के बारे में, यानी कि TBS स्पोर्ट के न्यू मॉडल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी इंडिया में देखा जाए तो 100cc सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है, क्योंकि सभी कंपनियाँ अभी अपनी 100cc बाइक के ऊपर ही फोकस कर रही हैं। जैसे कि बजाज ने कुछ ही दिन पहले अभी अपनी प्लेटिना 100 के डिस्क ब्रेक मॉडल को लॉन्च किया है, जिससे बजाज को अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और अब आपको TBS स्पोर्ट का न्यू मॉडल भी काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, और इसके न्यू मॉडल में आपको काफ़ी सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को TBS स्पोर्ट के न्यू मॉडल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। आई होप आपके जितने भी डाउट हैं वो यहां पर सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें अब आपको फ्रंट में LED DRL और जो हेडलैम्प है वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगा, और रियर की साइड में अब आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, लेकिन जो इंटीग्रेटर्स हैं वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। और इसमें अब आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। जैसा मीटर कंसोल आपको स्टार सिटी में देखने को मिलता है, ठीक उसी टाइप का मीटर कंसोल अब आपको स्पोर्ट में भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एनालॉग में RPM मीटर और डिजिटल में आपको फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर जैसे काफ़ी सारे बेसिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसका जो पेट्रोल टैंक है वो भी आपको पहले से काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक प्लस CBS देखने को मिलेगा। तो इसके न्यू मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाला है, क्योंकि प्लेटिना 100 में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, इसलिए आपको TBS स्पोर्ट के न्यू मॉडल में एज अ ऑप्शनल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसमें आपको भाई पहले से सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 99.7cc का 4-stroke 2-valve एयर कूल्ड BS6 AFI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा लगभग में 7.8 BHP के अप्रॉक्स पावर और 7.5 Nm के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इस बाइक की पावर फिगर आपको बिल्कुल पहले से सिमिलर देखने को मिलेगी। और इसमें आपको वही 4-speed का गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा। और बात कर लें अगर इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, यानी कि इसकी प्राइस के बारे में, तो मान के चलिए इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग में 2 से लेकर 3 हज़ार रुपये तक इंक्रीज़ होने वाली है, और बदले में आपको इस बाइक में काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स और डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इस बाइक के ओल्ड मॉडल को परचेस करने की सोच रहे थे तो आप लोग ज़रूर से इस बाइक के न्यू मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। और बात कर लें अगर इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, तो ये बाइक आपको जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।